हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं ज़िंदगी में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के अनमैरिड पार्टनर वीज़ा के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक पार्टनर यूके में रहता है और वो चाहते हैं कि यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा का इस्तेमाल करके यूके में वो जा सकें और अपने पार्टनर के साथ रह सकें। बट होता है क्या है कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो भारत के जो लोग हमें भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम का वीज़ा ये मिलता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कॉल पर और समझाते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली इनको करना है, एंड उसके बाद उनको काफ़ी मदद मिलती है। बट मैं आज चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको सभी को बताऊँ कि यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा होता क्या है, आप कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर आपको यूके का कोई भी वीज़ा चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए, स्पाउस वीज़ा चाहिए, फियांसे वीज़ा चाहिए एंड अनमैरिड पार्टनर वीज़ा चाहिए, तो हम सारे जो वीज़ाज होते हैं यूके के अप्लाई करते हैं। अगर आपको यूके का डिपेंडेंट वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा साथ में चाहिए तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको यूके का टीयर टू वर्क वीज़ा एंड डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। एंड इवन अगर आपको स्टडी भी करनी है यूके में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपने बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड आइल्स की भी हम कोचिंग देते हैं, बिकॉज आइल्स में अगर आपके अच्छे बैंड्स आते हैं तो आपको यूके में जाने में बहुत आसानी होती है, चाहे जॉब के लिए, चाहे स्टडी के लिए, चाहे आपको स्पाउस वीज़ा के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होती है। तो अगर आपको आइल्स की कोचिंग चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर, हम सारी चीज़ें हम डील करते हैं। यूके को अगर आपको जाना तो आपको कोई भी कंसर्न है आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा जो अकाउंट है वो ऑनलाइन देख सकते हो, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको जस्ट फॉलो कीजिए एंड हमसे सवाल पूछिए एंड देन उसके बाद आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम यूके पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। डेली आप हमारी वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ इस यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा के बारे में। तो जो ये यूके का अनमैरिड पार्टनर वीज़ा है, इसका मतलब ये है कि आपका एक पार्टनर इंडिया में रहता है और दूसरा पार्टनर यूके में रहता है। जो आपका पार्टनर यूके में रहता है उसका जो स्टेटस होता है यूके के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेटल्ड इन द यूके। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूके बहुत ज़्यादा नई नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है नए नए रिश्तों को डिफाइन करने के लिए, वीज़ा की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो सेटल्ड इन द यूके होता है स्टेटस होता है, जिसको हम यूके की खुद की लैंग्वेज में बोलते हैं, यू आर अ रेजिडेंट ऑर्डिनरली इन यूके एंड नो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ योर स्टे। कहने का मतलब ये हो गया कि आप अगर सेटल्ड इन द यूके का स्टेटस आपके पास है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यूके में एक ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल तरीके से आप यूके में रहते हैं और आपका जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। आपका जितना भी आपका जो भी स्टेटस है, जितना भी लेंथ ऑफ वीज़ा आपके पास अभी है, उस पर कोई भी इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि आपको जो बेनिफिट सबको मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इसको समझना होगा सेटल इन द यूके। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पार्टनर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दूसरा पार्टनर जो यूके में रहता है वो भी लड़की या लड़का कोई भी हो, तो अगर आपका यूके में जो पार्टनर है वो सेटल इन द यूके पे रहता है और आप रिलेशनशिप में हो, तो आप इस यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी यूके आपको अलाउ करता है कि आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करके यूके में जा सकते हैं एंड जो आपका पार्टनर यूके में रहता है उसके साथ रहकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं साथ में। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी स्टोरी है क्या यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा की, तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है अगर आपको इंडिया से अगर आपको अप्लाई करना है यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा या यूके से भी अप्लाई करना है, तो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से समझना बिकॉज ये आपको क्राइटेरिया फुलफिल, एडमिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी ही पड़ेगी। सो पहली चीज़, आप दोनों पार्टनर की उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपके इरादे होने चाहिए कि आपको साथ में रहना है और परमानेंट बेसिस पर यूके में रहना है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा अपने लेटर में। तीसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट ये है
कि अगर आप दोनों पार्टनर के अगर कोई प्रीवियस कोई मैरिज हिस्ट्री है या लव की हिस्ट्री है, अगर उसके बारे में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए कि वो पूरे एंड हो चुकी है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। अब आपको कोई भी अपने पुराने पार्टनर से, इन केस था, अगर नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई रिलेशन आपकी हिस्ट्री में था, आपकी शादी भी हो चुकी थी या किसी से लव रिलेशन में थे, तो वो एंड हो जाना चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप करीब करीब 2 साल तक आप साथ में रह चुके हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको ये 2 साल का क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी, बिकॉज इससे ज़्यादा इससे पता चलता है कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करो तो यानी कि आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हो और 2 साल आप साथ में रह चुके हो। अब 2 साल चाहे आप इंडिया में रह चुके हो, चाहे आप इस टाइम यूके में रहते हो, 2 साल का आपको टारगेट है और इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, बिकॉज आप प्रूफ दोगे तभी इनको पता यकीन आएगा कि हाँ आप 2 साल से एक साथ में रहते थे, तो अब आपका बनता है कि हाँ आपको यूके अलाउ करे कि आप साथ में रह सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका पार्टनर यूके में रहता है, ये रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी है कि उसकी जो पर ईयर जो इनकम है वो 18,600 पाउंड्स होनी चाहिए, यानी कि ये इनकम उसकी होनी चाहिए, या फिर उसके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए ताकि आप जब आओ तो आपका खर्चा अच्छे से उठाया जा सके। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दोनों को भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कैसे, और एक्सप्लेन करना होगा कि आप कैसे अपने अपने कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो, मतलब कैसे आप एक दूसरे के साथ रहोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप यूके में जो आपका पार्टनर वो कहाँ पर रहता है, तो आपको अपना अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी, बिकॉज आप रहोगे कहाँ पर, तो इस चीज़ का भी आपको प्रूफ देना होगा। अगर आप अप्लाई करो, अगर आप प्रूफ नहीं दोगे तो इससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी इसके अंदर देना होगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये मोर और लेस यही मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपको ये यूके अनमेरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए और भी आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो या मोर और लेस यही इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये अनमेरिड पार्टनर वीज़ा मिलता है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से यूके अनमेरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करते हो, अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आपको जो ये वीज़ा मिलेगा शुरुआत में आपको मिलेगा 33 मंथ्स के लिए, यानी कि 33 महीने के लिए आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में रहते हो दोनों साथ में और यूके में आप अप्लाई कर रहे हो इस वीज़ा को, तो आपको जो इनिशियली जो वीज़ा की ड्यूरेशन होगी वो होगी 30 महीने की। इंडिया से आपको मिलेगी 33 महीने की, यूके में रहते हो तो आपको 30 महीने की। इसके बाद जब ये आपका वीज़ा फॉर एग्जाम्पल मिल जाता है 30 महीने का, 33 महीने का, उसके बाद अगर जब आपका ये वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा तब उसके बाद आपको और फिर कह सकते हैं 30 महीने का और भी एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें 30 महीने 30 महीने, तो यानी कि 60 महीने हो जाते हैं, तो इस तरीके से देखें तो पूरे के पूरे 5 साल हो जाते हैं, यानी कि आपको 5 साल हो जाएंगे रहते रहते। उसके बाद आप इनडेफिनेट लीव टू रिमेन भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी है जो यूके में यूज़ होती है, इसका मतलब होता है इनडेफिनेट परमिशन टू स्टे इन जर्मनी। तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में रहे लेकिन आपने फिर अपना पार्टनर कोई चेंज कर दिया, आप कोई नया पार्टनर आ गया, पार्टनर वही होना चाहिए और आपके पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, तब फिर आपको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन का वीज़ा मिल जाता है। तो या इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम इंडिया से अप्लाई करके 33 महीने, जो यूके से करके 30 महीने, उसके बाद एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप ड्यूरेशन इसको समझ सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप यूके में आते हो या यूके में पहले से रहते हो तो आपको फुल टाइम जॉब करने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि आपको वीज़ा मिलने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो यूके में किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी पोस्ट पर काम करने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ जो आपके पार्टनर वो एंड आप दोनों यूके में रहकर अच्छे से फुल टाइम जॉब कर सकते हो एंड उसके बाद अपनी लाइफ को हैप्पीली एंड ईजिली यू नो जी सकते हो। तो कहने का ये बड़ा बेनिफिट होता है, यूके के अंदर बहुत लिबरल कंट्री है, वो भी चाहती है कि अगर आपका पार्टनर स्पाउस कोई आता है यूके के अंदर तो उसको भी हम काम करने का अधिकार देंगे ताकि वो खाली ना बैठे, अर्निंग करें और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन करें, बिकॉज आज के टाइम में यूके में भी काफ़ी कह सकते हो कि लोगों की ज़रूरत है। तो या वो चाहते हैं कि जो स्पाउस आ रहा है वो उसको भी फुल टाइम जॉब करने का अधिकार मिले। तो अगर आप यूके अनमेरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करते हो मिल जाता है तो उसके बाद आप फुल टाइम जॉब करके दोनों पार्टनर्स हैप्पीली जो यूके में रहकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये यूके अनमेरिड पार्टनर वीज़ा होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो यह ओवरऑल यही सारी की सारी स्टोरी थी।
तो अगर आपको यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम हर टाइप के यूके के वीज़ा के लिए एक्सपर्ट हैं, बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे यूके का डिपेंडेंट वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, फियांसे वीज़ा हो, यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा हो, हम सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। इवन अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा साथ में लगाना है तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टीयर टू वर्क वीज़ा एंड डिपेंडेंट वीज़ा साथ में लगाना है तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, हम आपके हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है यूके की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में तो आप हम उसमें आपके एडमिशन करा सकते हैं, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के अंदर। एंड इवन हम आपको स्पाउस वीज़ा जैसे हमने बताया, इसके अलावा हम टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम आइल्स की कोचिंग भी देते हैं ताकि आप आइल्स में तैयारी करें, उसके बाद आपको यूके का वीज़ा मिलना बहुत आसान रहता है। तो ओवरऑल हम सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना, देन वी विल मेक यू लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी, देन यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स इन फ्यूचर इन यूके। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को एनहैंस कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा जो अकाउंट है देख सकते हो स्क्रीन पर, जस्ट इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।